नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं टॉक विद पुनीत यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको BTSC नई भर्ती 2020 के बारे में बताया था, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी। तो दोस्तों, मैंने उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस बता दीजिए। तो मैं आज आपके लिए इसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस लेकर के आया हूँ, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद पुनीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न और लास्ट ईयर्स के पेपर्स, वो सारे मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक डिटेल आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनको इस वैकेंसी के बारे में अभी तक नहीं पता है, वो भी इस वैकेंसी के बारे में जान लें, क्योंकि लास्ट डेट अब 15 अप्रैल है, तो अभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती आई हुई थी, और यहाँ पे टोटल पोस्ट अगर देखें तो 91 पदों पर आपकी भर्ती थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो आपको सैलरी मिलता है वो आपको खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो सैलरी आपको मिलेगा वो ग्रेड पे 4200 रुपये होता है, और सातवें वेतन आयोग के अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व में अनारक्षित में 40 सीटें हैं, और EWS के अंदर 9 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के अंदर 12, अनुसूचित जनजाति में 1, और यहाँ पे PWD के लिए 9 सीटें हैं, और PWD में फिजिकल डिसेबल महिला के साथ यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं, दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएट डिग्री मांगा हुआ था, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी या डायरी टेक्नोलॉजी या बायो टेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री, या उसके अलावा देखिए माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री तथा केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री अथवा मेडिसिन में डिग्री अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समक्ष क्षमता प्राप्त हो। तो इस तरीके का इसमें क्वालिफिकेशन है। इन सभी में अगर आपने किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण में क्या है, फूड अथॉरिटी द्वारा प्रशिक्षण के परियोजनार्थ अनुमोदित किसी संस्था या संस्थान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, यानी कि आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और अनुभव में किसी सरकारी संस्थान में समक्ष कार्य का अनुभव हो। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट जो है वो 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इसके सिलेबस के बारे में, तो आज मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। ये अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 21 से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए यहाँ पर 37 वर्ष होगी और महिलाओं के लिए यहाँ पर 40 वर्ष है। ठीक है, बाकी कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व वाले जो भी हमारे EWS वाले हैं या फिर OBC वाले हैं, उनके लिए देखिए 40 साल और 42 साल का यहाँ पर छूट दिया हुआ है, तो वो आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि क्या इस प्रकार किसका चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर देखिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपने कितना मार्क्स लाया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 70 अंक मिलेंगे। उच्चतर डिग्री के लिए, अगर आपके पास कोई उच्चतर डिग्री है तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, और किसी भी सरकारी संस्था या केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव में समक्ष कार्य अनुभव हेतु पूर्ण 6 मार्क्स के लिए 2 अंक और अधिकतम 20 अंक आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको यहाँ से 100 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कितना अंक होगा। ठीक है, उसके अलावा जो आरक्षण है, आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, तो वहाँ पर आपको अपना कैटेगरी को चूज़ करना होगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। बाकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे मैं आपको सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सामान्य वगैरह के लिए यहाँ पर 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस था, और बाकी के लिए 50 रुपये का। और राज्य से बाहर कोई भी अप्लाई करेगा, अगर बिहार के बाहर से अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए। ठीक, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक डिटेल बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएगी, क्योंकि मैं इसका पूरा सिलेबस आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारा BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसको 400 में डिवाइड किया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार टेक्निकल फूड सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस, तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक नोट कर लीजिएगा आप, कि इसके अंदर अगर आप देखें तो डेली न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कंट्रीज एंड कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट में कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे, स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, कल्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, साइंटिफिक रिसर्च कब कौन से रिसर्च हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से भी आ सकते हैं, कंट्रीज एंड करेंसी से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन आएगा, फेमस पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन आएंगे। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो करंट GK और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें BTSC फूड सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली आपका आएगा अनसीन पैसेज, मीनिंग्स आएंगे, एंटोनिम्स आएगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, जिसे हम जंबल वर्ड्स भी कहते हैं। देन अगर हम बात करें तो सेंटेंस करेक्शन आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, फर्स्ट रिप्लेसमेंट आएगा, एरर स्पॉटिंग और फर्स्ट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो पारा जंबल्स आएगा, रीडिंग कंप्रेशंस आएंगे, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, एडम्स एंड फर्म से क्वेश्चन आएगा। देन उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव और मिसिंग वर्ब्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वहीं अगर हम बात करें अब मेंटल एबिलिटीज़ की, तो फ्रेंड्स जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का, इसके अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आएगा, डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन आएंगे, नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा स्टेट एंड आर्गूमेंट से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और माइनर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो मिरर इमेजेस होते हैं। उसके अलावा अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, एम्बेडेड फिगर्स आएंगे, स्टेट एंड कंक्लूजन आएंगे, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डीकोडिंग, और अगर हम बात करें तो क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आएगा और सोलोजिम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट जो है वो आपका क्वांटिट एटीट्यूड से रिलेटेड से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस होगा क्वांटिटिव एटीट्यूड का, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। उसके अलावा डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन आएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर तो इसमें आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। उसके अलावा पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और SCF LCM आएगा, उसके लॉगरिथम से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिगेशन और मिक्सचर आएंगे, टाइम एंड वर्क आएगा, फिर उसके अलावा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन आएगा, चैन रूल आएगा, देन एवरेज आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आएगा और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स ऑन एज और सर्च एंड एडिस से क्वेश्चन आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके अलावा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, परमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन आपका आ सकता है, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आएंगे और बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये पूरा सिलेबस था आपका, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न होगा 120 मिनट का आपका क्वेश्चन होगा, दो घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगा, ठीक है, बट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ जाहिर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह का नहीं है, ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव मार्किंग लेकर के चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रिपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है मे बी कि हो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर हम नेगेटिव मार्किंग लेके चलेंगे तो हम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पैटर्न होगा वो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के, उससे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल एडिस से क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से होंगे, उसके अलावा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ कंक्रीट आएगा 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के,
और एग्ज़ाम डेट अभी तक आया नहीं है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। जब इसका एग्ज़ाम डेट होगा तो हम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा देंगे, आपको उसकी जानकारी दे देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी इसका अपडेट होगा, वो सारा अपडेट मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।